कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC ई पाठशाला में। CGPSC ई पाठशाला करंट अफेयर का मैगजीन कल शाम 7 बजे से मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। कल शाम 7 बजे से ये रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के अधिकांश बुक डिपो में और उसके नेक्स्ट डे बिलासपुर के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों के बुक डिपो में अवेलेबल हो जाएगा। ये बुक जो है आपके इन शहरों के बुक डिपोज में अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन पर कुछ बुक डिपो के नाम, शहरों के नाम और उन बुक डिपो का कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है। इन बुक डिपो में जाकर के आप इस मैगजीन को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे CGPSC ई पाठशाला मोबाइल ऐप में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यह बुक आपको कुरियर के माध्यम से होम डिलीवरी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करेंगे जून माह के करंट अफेयर्स पर, ठीक है। यह सारा का सारा जो आपका करंट अफेयर है यह भी आपके उस मैगजीन में टाइप कर दिया गया है, ठीक है। वहां से भी जाकर के आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका आजादी से अंत्योदय तक अभियान। आजादी से अंत्योदय तक अभियान, ये जो आपका अभियान है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है, ठीक है। ये जो आपका अभियान है ये केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। अब ये अभियान है क्या, समझिएगा। ये जो आपका अभियान है ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस अभियान को चलाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, हमारे देश को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके कारण भारत सरकार जो है ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही आपका आजादी से अंत्योदय तक अभियान चलाया जा रहा है। अब यह अभियान है क्या, इसे ध्यान समझिएगा। इस अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम का विकास किया जाएगा। देखिए, इस अभियान के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम का विकास किया जाएगा, ठीक है। इस योजना में भारत के लगभग 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से 75 जिलों के 99 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जन्म स्थान का चयन किया गया है, ठीक है। इस अभियान के अंतर्गत भारत के 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों के 99 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जन्म स्थान का चयन किया गया है विकास के लिए, ठीक है। अब देखिए, सरकार जो है इस अभियान के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विकास क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। अभियान के माध्यम से लोग अब स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के बारे में जान सकेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के जो गुमनाम नायक है उनके बारे में जान सके, इसके लिए सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम का विकास किया जा रहा है। गुमनाम नायक का मतलब, देखिए, आप में से बहुत से लोग जो है ये बड़े बड़े क्रांतिकारी नेताओं के नाम ही जानते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, आपका सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सदगुरु, ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी नेताओं के ही नाम जानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर, अपने राज्यों में, अपने क्षेत्रीय स्तर पर रह करके भी उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, उनके द्वारा आंदोलन चलाए गए थे। लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या है, ये गुमनाम है, इनके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। एक्चुअली में उनके राज्य में ही रहने वाले बहुत से लोग उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में ही नहीं जानते। तो सरकार इस अभियान के माध्यम से उन प्रदेश के जो है हर एक राज्य के प्रथम चरण के अंतर्गत अभी 75 जिलों के 99 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का चयन किया गया है और इन 99 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम, उनके जन्म स्थान का विकास किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में जान सके। हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो आपका जन्म स्थल है, जो उनके गृह ग्राम है, उनका भी चयन किया गया है। देखिए कौन कौन है वो, एक है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दूसरे है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और तीसरे है आपके कंगलू कुमार, ठीक है। आप में से बहुत से लोग तो इन कंगलू कुमार के नाम को भी नहीं जानते होंगे। देखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो कि राजनांदगांव जिले के दहान ग्राम जो है इनका गृह ग्राम है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो है धमतरी जिले का कंडेल ग्राम इनका गृह ग्राम है, जबकि कंगलू कुमार कांकेर जिले के गोटुल मुंडा इनका गृह ग्राम है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जिन्होंने बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन किया था, ठीक है, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया था, राजनांदगांव में मौजूद था आपका बीएनसी मिल, वहां के मजदूरों के लिए, उनके हक के लिए इनके द्वारा, इनके नेतृत्व में बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 3 बार किए गए थे उस मिल
में यानी कि बीएनसी मिल में जो है यह आंदोलन 3 बार किया गया था। और दूसरे है आपके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जिन्होंने कंडेल नहर सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था, साथ ही साथ जंगल सत्याग्रह का भी इन्होंने नेतृत्व किया था। और तीसरे है आपके कंगलू कुमार, कंगलू कुमार जो है जब महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 2 बार आगमन हुआ, एक वर्ष 1920 में और दूसरा वर्ष 1932 में, ठीक है, उस समय जो है ये कंगलू कुमार महात्मा गांधी जी के साथ पैदल यात्रा में शामिल हुए थे और बाद में महात्मा गांधी जी ने इन कंगलू कुमार को झंडा देकर के सम्मानित भी किया था, ठीक है। तो इन 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम का हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में विकास किया जाएगा और इनका चयन हुआ है आजादी से अंत्योदय तक केंद्र सरकार की इस अभियान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम, ये काफी हाइलाइटेड रहा इस बार हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, इसका आयोजन हुआ आपके हरियाणा पंचकुला में। व्यापम वाले एग्जाम में ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहां हुआ, तो ये हुआ आपके पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। इसका आयोजन हुआ 4 जून से लेकर के 13 जून 2022 के बीच इस खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ। इस यूथ गेम में, खेलो इंडिया यूथ गेम में राज्य से 13 खिलाड़ी, ठीक है, राज्य से 13 खेलों में 122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के 13 खेलों में कुल 122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया इस खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत। देखिए हमारे प्रदेश का प्रदर्शन क्या रहा इस खेलो इंडिया यूथ गेम में, हमारे प्रदेश ने कुल जो है 11 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीता गया हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा इस खेलो इंडिया यूथ गेम में। अगर हम अंक तालिका की बात करें तो 11 पदक के साथ हमारा छत्तीसगढ़ इस खेलो इंडिया यूथ गेम में 22वें स्थान पर रहा। ध्यान दीजिए इस खेलो इंडिया यूथ गेम में इस वर्ष जो है इस खेलो इंडिया यूथ गेम में 5 स्वदेशी खेलों को भी शामिल किया गया था। 5 स्वदेशी खेल कौन कौन से हैं? एक है गतका, दूसरा है थांगता, एक है आपका कलारी पयट्टू, मलखंब और योगासन, ठीक है। यह भी आपका व्यापम का प्रश्न पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में इस साल शामिल किए गए 5 स्वदेशी खेलों में से कौन सा एक शामिल नहीं है करके। तो शामिल कौन कौन सा है? एक गतका, दूसरा थांगता, तीसरा है आपका कलारी पट्टू, चौथा है मलखंब और एक है आपका योगासन, जिसमें योगासन बाबा रामदेव के योगा से आप सभी परिचित है। बाकी 4 कौन से है उसे भी देख लीजिए। जैसे कि यह है आपका गतका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह जो है ये है आपका गतका। ये जो गतका जो है इसे पंजाब का मार्शल आर्ट कहा जाता है, ठीक है, गतका को पंजाब का मार्शल आर्ट कहा जाता है। और ये है आपका कलारी पयट्टू, इसे केरल का मार्शल आर्ट कहा जाता है। और ये है आपका थांगता, जिसे मणिपुर का मार्शल आर्ट कहा जाता है। और यह है आपका मलखंब, ये जो आपका मलखंब है यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भी यह मलखंब खेला जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल इसे घोषित किया गया है इस मलखंब को। तो ये जो 5 खेल जो शामिल किए गए हैं उसमें से गतका जो कि पंजाब का आपका मार्शल आर्ट है, कलारी पयट्टू जो कि केरल का मार्शल आर्ट है, थांगता जो कि मणिपुर का मार्शल आर्ट है और मलखंब जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक है। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ ने जो 11 पदक जीते वो कौन कौन से हैं, सभी को याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी लिस्ट में एक बार नजर डाल दीजिएगा, ठीक है। ये सारा लिस्ट अभी आपके करंट अफेयर के मैगजीन में ये सारा लिस्ट उसमें भी बताया गया है। देखिए तो जो आपका 11 पदक जो जीता गया है उस 11 वो 11 पदक कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है आपकी ज्ञानेश्वरी यादव, हमारे इस साल की छत्तीसगढ़ की स्टार प्लेयर है ज्ञानेश्वरी यादव। 110% इस साल होने वाले किसी ना किसी एग्जाम में ज्ञानेश्वरी यादव से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख करके ले लीजिए, क्योंकि इस साल की जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ की स्टार प्लेयर रही है। ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है आपके वेट लिफ्टिंग से। आपके 49 किलोग्राम बालिका वर्ग में इन्होंने 164 किलोग्राम वजन उठाया, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। सेकंड नंबर पर है आपके सरिता पोयाम जिन्होंने मलखंब में जो आपका ऑलराउंडर ऑलराउंड मलखंब होता है, जिसमें जो है आपके रोप और पोल,
जो बालिका वर्ग के लिए केवल दो आपके पैटर्न में मलखम का खेल खेला जाता है, एक है आपका रोप यानी कि रस्सी के ऊपर और दूसरा पोल यानी कि खंबे के ऊपर चढ़ करके किया जाने वाला मलखम, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तीसरे नंबर पर है रणवीर, रणवीर जिन्होंने पंजाब का मार्शल आर्ट गतका में इन्होंने रजत पदक जीता। मोनू नेताम जिन्होंने मलखम के ऑलराउंड मलखम जिसमें रोप पोल और हैंगिंग, ठीक है, बालक वर्ग में जो है तीन राउंड होते हैं ऑलराउंड में, रोप पोल और हैंगिंग, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता। इसके अलावा मोनू नेताम ने मलखम के सिंगल आपके पैटर्न में यानी कि पोल मलखम में भी इन्होंने रजत पदक जीता, दो रजत पदक जीता, एक आपके ऑलराउंड मलखम में और दूसरा सिंगल पोल मलखम में, ठीक। इसके अलावा है आपका साधिका दुबे, साधिका दुबे ने केरल के मार्शल आर्ट कलारी यट्टू में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता। एक है आपके राजा भारती जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 55 किलो वर्ग बालक में इन्होंने 211 किलोग्राम वजन उठा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता। और ये है आपके सरिता पोयाम, देखिए सरिता पोयाम का नाम दो बार आ रहा है, सरिता पोयाम जिन्होंने आपका स्वर्ण पदक जीता मलखम के ऑलराउंड प्रतियोगिता में, और जबकि जो आपका रोप मलखम्ब है सिंगल इवेंट में इन्होंने मलखम्ब में कांस्य पदक भी जीता है। इसके अलावा गतका दल जो है पंजाब का मार्शल आर्ट कहा जाता है गतका को, तो गतका दल ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये तो हो गए आपके नौ। इसके बाद एक बालक वर्ग है मलखम्ब प्रतियोगिता में और एक है आपके बालिका वर्ग, बालक दल और बालिका दल इन्होंने भी जो है मेडल जीता। तो इस प्रकार से टोटल 11 पदक आए हमारे छत्तीसगढ़ में इस खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत। देखिए इसमें से आपको कौन कौन सा याद करना है मैं फिलहाल बता दे रहा हूं, उस पर थोड़ा सा मेन फोकस कीजिएगा। एक तो ज्ञानेश्वरी यादव, इसका पूरा कंप्लीट याद कीजिएगा। दूसरा सरिता पोयाम, क्योंकि ये फीमेल कैटेगरी से है, और दूसरा चीज ये महिला है जिसने मलखम में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। उसके अलावा है आपका रणवीर गतका का नाम याद रखिएगा, और मोनू नेताम जिसने दो रजत पदक जीता है इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा इस खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी ज्ञानेश्वरी यादव, अभी जिसका नाम हमने देखा इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम में, ज्ञानेश्वरी यादव जैसे कि मैंने कहा ये हमारे छत्तीसगढ़ की इस साल की स्टार प्लेयर है, इनसे 110% साल भर होने वाले किसी न किसी एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। देखिए ज्ञानेश्वरी यादव ये कौन है, ये है आपकी वेट लिफ्टर, किस जिले से संबंधित है, ये राजनांदगांव जिले की निवासी है। हाल ही में इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 49 किलोग्राम वर्ग श्रेणी से, ठीक है, 49 किलोग्राम 49 किलोग्राम बालिका वर्ग से उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता खेलो इंडिया यूथ गेम में। देखिए इन्होंने जो है वेट लिफ्ट में टोटल 164 किलोग्राम वजन, जो आपके वजन उठाने की भी अलग अलग आपकी कैटेगरी होती है जैसे कि 76 किलोग्राम स्नैच, 88 किलोग्राम, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने 164 किलोग्राम वजन उठाया, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि केवल खेलो इंडिया यूथ गेम के कारण ही ये इतने चर्चा में है, ध्यान समझिएगा, वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता जूनियर वर्ग 49 किलोग्राम गोल्ड मेडल जीत करके ये जो ज्ञानेश्वरी यादव देश की नंबर वन वेट लिफ्टर बन गई है, ठीक है, बालिका वर्ग कैटेगरी में ये देश की नंबर वन वेट लिफ्टर बनी है, ठीक। इसके अलावा ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ग्रीस में आयोजित हुआ है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, इसको भी याद रखिएगा, इसमें जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और यह जो है प्रदेश की पहली महिला वेट लिफ्टर जिसने विदेशी धरती पर मेडल जीता है, ठीक है, हमारी छत्तीसगढ़ की पहली महिला वेट लिफ्टर जिसने किसी विदेशी धरती में जाकर के यानी कि ग्रीस में जाकर के इसने जो है आपका सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला वेट लिफ्टर है जिसने ग्रीस में जाकर के यानी कि विदेश की धरती में जाकर के गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ज्ञानेश्वरी यादव को छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक ASI के पद पर नियुक्ति दिए जाने की भी घोषणा की गई है, ठीक है, तो इस कारण से ये हमारे प्रदेश की थोड़ी सी स्टार प्लेयर है, इनका नाम याद रखिएगा, ये है आपकी ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका SECL का पहला पावर प्लांट, SECL का फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि जो कंपनी है ये कंपनी क्या है, ये कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी है, लेकिन आप यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है, SECL का पहला पावर प्लांट, अब ये विद्युत का भी उत्पादन करने वाली है। SECL जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी, एक सहायक कंपनी है, कोल इंडिया जो कि भारत सरकार की एक कंपनी है कोल इंडिया, और उस कोल इंडिया के अंतर्गत सहायक कंपनी है SECL। देखिए
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया की सहायक कंपनी जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में कोयले का उत्खनन करती है, जैसे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये उत्खनन कार्य करती है, वैसे ही है आपका MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में उत्खनन कार्य करती है, एक है आपका CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो कि झारखंड वाले क्षेत्र में कोयला उत्खनन कार्य करती है, एक है NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कोयला उत्खनन कार्य करती है, एक है WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कोयला उत्खनन कार्य करती है, एक है ECL जो कि आपका ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में कोयला उत्खनन कार्य करती है, और एक है आपका BCCL यानी कि भारत कोक कोल लिमिटेड जो कि कोक कोयले का उत्खनन करती है आपके झारखंड वाले क्षेत्र से। ठीक है, ये सारा का सारा लिस्ट जो है इसे भी मैंने आर्थिक सर्वेक्षण वाले बुक में अलग से मेंशन किया क्योंकि कभी ना कभी इससे ही प्रश्न बनेगा। तो ये जो कोल इंडिया की जो सब्सिडियरी कंपनी है, जो सहायक कंपनी है, उनमें इन सभी कंपनियों में से कोयले का, देश में कोयले की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है हमारी SECL, यानी कि जितने भी कंपनी का नाम मैंने आपको बताया उन सभी में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है कोल इंडिया की, वो है आपके SECL। अब SECL चर्चा में क्यों है, क्योंकि SECL जो है ये 660 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने वाला है। इसकी जो आपकी यूनिट है, इसकी यूनिट स्थापित की जाएगी अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई के साथ। ये जो आपका अमरकंटक ताप विद्युत गृह है चचई, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके साथ जो है समझौता किया गया है, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया गया है, एक MOU एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है, और इसके तहत अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई के सहयोग से एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसकी क्षमता होगी 660 मेगावाट। इसमें लगभग 4,665 करोड़ का प्रोजेक्ट का लागत आएगा। यह सुपर क्रिटिकल आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा। सुपर क्रिटिकल आधुनिक तकनीक का मतलब, ध्यान दीजिएगा, इसमें कम पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि किसी पावर प्लांट में जो है आपके पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसमें कम पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, विशेष क्या है, अगले 2 साल के भीतर SECL बिजली उत्पादन कंपनी भी बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी है जो अब विद्युत का भी उत्पादन करने वाली है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, इस कारण से काफी चर्चा में रहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी और रागी। देखिए, हम जो है अक्सर क्या याद करते हैं कि समर्थन मूल्य पर हम आपके धान की खरीदी, मक्का की खरीदी, इसे याद करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोदो कुटकी और रागी की भी खरीदी हुई है और इसके भी आंकड़े सामने आए हैं। पता चला कि आप धान की खरीदी रट्टा मारते बैठे हुए हैं, आप मक्का की खरीदी रट्टा मारते बैठे हैं और सरप्राइजिंग क्वेश्चन आ गया कोदो कुटकी और रागी से। ठीक है, जैसे कि आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी और रागी का भी खरीदी किया जा रहा है हमारे प्रदेश में। जो है आपके कोदो और कुटकी की खरीदी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ये तीनों कोदो और कुटकी की खरीदी की जाती है, जबकि रागी की खरीदी की गई है आपके 3,377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। ठीक है, देखिए, ये जो आपका समर्थन मूल्य है, ये समर्थन मूल्य 2021-22 का है। ठीक है, अभी नया समर्थन मूल्य का जो रेट है ये जारी कर दिया गया है, ये 2021-22 का रेट है। तो कोदो और कुटकी की खरीदी जो है 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई, जबकि रागी की खरीदी 3,377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये राशि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये देखिए, कोदो जो है इसकी खरीदी 27,420 क्विंटल की गई, कुटकी की खरीदी 833.57 क्विंटल किया गया, कुटकी भूरा 1544.06 क्विंटल इसकी खरीदी की गई, जबकि रागी की खरीदी 44.93। इतनी जो खरीदी की गई है आपके रागी की। अगर हम ओवरऑल बात करें तो टोटल देखिए, ये जो आपका कोदो कुटकी और जो रागी है ये मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा इन मोटे अनाज के लिए मिलेट मिशन भी चलाया जा रहा है, याद है ना, मिलेट मिशन हम पहले पढ़ चुके हैं, मिलेट मिशन चलाया जा रहा है और मिलेट मिशन के अंतर्गत हमारे प्रदेश के टोटल 14 जिलों का चयन किया गया है। ठीक, तो ये मिलेट मिशन के अंतर्गत 14 जिलों में इस ये मोटे अनाज का जो है, यानी कि कोदो कुटकी और रागी का उपज लिया जा रहा है। तो ओवरऑल जो मोटे अनाज की खरीदी की गई है वो है कोदो कुटकी रागी को मिलाकर के 34,293.93 क्विंटल की। ठीक, अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में जो है कोदो कुटकी और रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीदी है, ये खरीदी का टाइम पीरियड था 1 दिसंबर 2021 से शुरू होकर के 15 फरवरी 2022 तक, 1 दिसंबर 2021 से लेकर के
15 फरवरी 2022 तक इस कोदो कुटकी और रागी की खरीदी की गई हमारे प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ये समर्थन मूल्य, इसको बताना उतना जरूरी नहीं है, लिस्ट को देखिए और याद कीजिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो हमने पिछला जो समर्थन मूल्य देखा, कोदो का रेट कितना है 3000 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी का 3000 रुपये प्रति क्विंटल और रागी का कितना है 3377 रुपये प्रति क्विंटल। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रेट चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि ये कब का है, ये 2022-23 का रेट है, नया रेट है। देखिए इसमें जो है धान की जो खरीदी है, धान जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग की जो धान है उसकी खरीदी 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। धान ग्रेड ए की खरीदी 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। जवार हाइब्रिड की खरीदी 2970 रुपये प्रति क्विंटल। जवार माल दंडी की खरीदी 2990 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरा की खरीदी, ये बाजरा इंपॉर्टेंट है, बाजरा को थोड़ा याद रखिएगा, बाजरा की खरीदी 2350 रुपये प्रति क्विंटल। ये रागी भी इंपॉर्टेंट है, रागी का भी याद रखिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, धान और मक्का का रेट याद रखते हैं लेकिन रागी का भी रेट याद रखिएगा। रागी का नया रेट कितना है 3578 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का भी इंपॉर्टेंट है, मक्का का कितना है 1962 रुपये प्रति क्विंटल। तूर का है 6600 रुपये, मूंग का है 7755 रुपये, उड़द का है 6600 रुपये, मूंगफली का है 5850 रुपये, सूरजमुखी बीज का है 6400 रुपये, सोयाबीन पीला का है 4300 रुपये, तिल का है 7830 रुपये, राम तिल का है 7287 रुपये, कपास मध्यम रेशा का है 6080 रुपये, कपास लंबा रेशा का रेट है आपका 6380 रुपये प्रति क्विंटल। देखिए इसमें से आपको ये धान के दोनों रेट याद होने चाहिए, इस बाजरा का रेट, रागी का रेट और मक्का का रेट कम से कम याद करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं के इर्द गिर्द न्यूनतम समर्थन मूल्य पर घूमते हैं। ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है पिछले वर्ष की तुलना में 100 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में 100 रुपये की वृद्धि की गई है। और हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार आपको याद होगा, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाती थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने क्या किया है, प्रदेश सरकार ने भी इस रेट में वृद्धि कर दी है। अब प्रदेश में जो है आपका 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका धान म्यूजियम। अब ये धान म्यूजियम हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, पहले भी पिछले बार के भी करंट अफेयर में मैंने इसे मेंशन किया था, इस बार ये धान म्यूजियम जो है ये फिर से चर्चा में क्यों रहा। देखिए ये जो धान म्यूजियम है ये कहाँ है, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में मौजूद है। इस संग्रहालय में धान की 24,000 से ज्यादा किस्में है। चर्चा में क्यों है, यहां पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा जर्म प्लाज्म सेंटरों में शामिल हुआ है। जो आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थित जो धान म्यूजियम है ये हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े जर्म प्लाज सेंटरों में शामिल हुआ है। अब ये है क्या, ये समझ लीजिए, यहां पर जो है फिंगरप्रिंट संग्रह किया गया है धान का फिंगरप्रिंट संग्रह। प्रदेश का यह पहला और सबसे बड़ा डीएनए फिंगरप्रिंट संग्रह होगा, किसका, धान का। अब ये फिंगरप्रिंट संग्रह की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट ये है क्या, हमारे जो आपके जो इस धान म्यूजियम में जो 24,000 से अधिक धान के किस्में हैं उनमें से 16,700 किस्मों का डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर कोडिंग कर दी गई है। ठीक है, उनका जो है कंप्यूटर में उनका डाटाबेस फिट कर दिया गया है, उनकी कोडिंग फिट कर दी गई है। अब इससे लाभ क्या होगा, अगर बाय चांस ये जो जितने की भी कोडिंग की गई है अगर ये सभी के सभी जो आपके सैंपल है ये चोरी भी होते हैं तो इतनी किस्मों के रिकॉर्ड एक क्लिक पर कृषि विश्वविद्यालय के जर्म प्लाज सेंटर में रहेगा और दूसरा किसान को जो है किस्मों की कोडिंग के जरिए एक क्लिक पर पता कर सकेंगे और बुआई कर सकेंगे इस धान की। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा इनिशिएशन है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, धान म्यूजियम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बादल मंडाई। अब ये बादल मंडाई क्या है, इसे ध्यान समझ लीजिए, यहां पे जो बादल शब्द का प्रयोग हुआ है ना, ये बादल है क्या, बादल का फुल फॉर्म है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, ये है आपके बादल का फुल फॉर्म। देखिए ये जो बादल एकेडमी है, बादल एकेडमी स्थित है आपके आसना जिला बस्तर में। यहां पर जो है 25 जून 2022 से प्रत्येक शनिवार के दिन बादल मंडाई आयोजन किए जाने की शुरुआत की गई है।
इसमें जो है इसमें कुछ प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें जनजातियों की पहनावा, रहन सहन, भाषा बोली, नृत्य संगीत, पूजा पद्धति आदि परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। यहां पर जो है ये जो आयोजन किया जा रहा है बादल मंडई का, आयोजन होने से युवा पीढ़ी को सालों से चली आ रही परंपरा के बारे में जानकारी मिलेगा। देखिए इसमें जो है हर शनिवार यहां पर अलग अलग जनजातियों से संबंधित यहां पर मंडई का आयोजन किया जाएगा। हर शनिवार को अलग अलग जनजातियों के मंडई का आयोजन किया जाएगा। 25 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई और धुरवा संस्कृति पर आधारित पहली मंडई से जो है इस बादल मंडई की शुरुआत की गई है। तो पहला प्रश्न तो यही पूछ सकता है कि बादल का फुल फॉर्म क्या है या बादल एकेडमी का फुल फॉर्म क्या है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, ठीक है ये फुल फॉर्म है, कहां पर स्थित है, आसना बस्तर जिले में ये स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रायगढ़ संगीत और नृत्य महाविद्यालय। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि रायगढ़ में एक संगीत और नृत्य महाविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, रायगढ़ में जो है आपका संगीत और नृत्य महाविद्यालय बनाया जाएगा, तो इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद के द्वारा। और ये जो आपका जो महाविद्यालय होगा, ये महाविद्यालय इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत होगा जो खैरागढ़ में स्थित है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय या इसे ही आप कहते हैं इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ठीक, इसके अंतर्गत ये संबद्ध होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो रायगढ़ है, रायगढ़ में संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय की स्थापना क्यों की जा रही है, क्योंकि जो रायगढ़ घराना है, ठीक है, रायगढ़ रियासत या जो रायगढ़ घराना है ये कथक नृत्य विद्या एवं आपका शास्त्रीय संगीत के लिए काफी प्रसिद्ध है। जो हमारा जो रायगढ़ रियासत है, रायगढ़ रियासत या जो रायगढ़ घराना है ये स्पेशली कथक नृत्य के लिए और साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत के लिए काफी प्रसिद्ध है। देखिए ये जो है ये है आपके राजा चक्रधर। राजा चक्रधर जो कि कथक, एक कुशल कथक नृतक थे, साथ ही साथ तबला वादक भी थे, ठीक है। तो ये जो है ये जो घराना जो है, ये जो रायगढ़ घराना, ये कथक नृत्य और शासकीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। विशेष छत्तीसगढ़ को जो आपका रायगढ़ है, रायगढ़ को छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक नगरी भी कहा जाता है। जो आपका रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है, रायगढ़ जो जिला है, इसे आपका छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और यहां पर प्रतिवर्ष चक्रधर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। यहां पर जो है गणेश चतुर्थी के दिन रामलीला मैदान में प्रतिवर्ष चक्रधर महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। ये जो आपके राजा चक्रधर है, राजा चक्रधर अगर इनकी अगर हम कुछ रचनाओं की बात करें तो एक है आपके ताय तोल निधि, दूसरा है आपका नृतक सर्वस्व और एक है आपका राग रत्न मंजूषा। ये ग्रंथ है प्रमुख आपके किनके, राजा चक्रधर के। तो ये ग्रंथ से संबंधित आप चीजों को पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में, तो वहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि राजा चक्रधर की पुस्तकों के नाम को याद कीजिएगा और इनसे क्वेश्चन थोड़ा सा पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जूही व्यास। जूही व्यास जो कि हाल ही में चर्चा में रही, क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 जो है इसका आयोजन हुआ मुंबई गोरेगांव में आयोजन हुआ और इसकी फर्स्ट रनर अप यानी कि उप विजेता रही आपकी जूही व्यास। क्या है इसे समझ लीजिए, जो मिसेस इंडिया वर्ल्ड है ये एक तरह का ब्यूटी पेजमेंट या ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिसमें केवल विवाहित महिलाएं ही शामिल होती है। इस प्रतियोगिता में देश भर की कुल आपके 51 यानी कि 51 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसकी विजेता रही आपकी सरगम कौशल जो कि मुंबई महाराष्ट्र से है, जबकि इसकी उप विजेता फर्स्ट रनर अप रही आपकी दुर्ग जिले की जूही व्यास और सेकेंड रनर अप रही चाहत दलाल जो कि पुणे महाराष्ट्र से है। तो देखिए यह है आपका सरगम कौशल जो कि विजेता रही और ये है आपकी दुर्ग जिले की जूही व्यास, ठीक। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा ये कौन है और इनसे जुड़े हुए तथ्य। नेक्स्ट है आपका समेरू मठ औघड़नाथ दरबार। अब देखिए ये कहां पर स्थित है, ये रायपुर में प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित है। यहां पर दावा किया जा रहा है कि इस समेरू मठ में विश्व का एकमात्र श्रीयंत्र आकार का गुम्बद स्थित है, यानी कि यहां पर जो है जो ऊपर जो मंदिर का जो टॉप वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये आपका मंदिर है और मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे कहा जाता है आपका गुम्बद। तो दावा किया जा रहा है कि विश्व का यह एकमात्र श्रीयंत्र आकार का गुंबद है। इस गुंबद में टोटल आपके 43 कोण है, ठीक है, ये जो आपका गुंबद है, इस गुंबद में टोटल आपके 43 ये जो
आपके कोण बने हुए हैं। इस गुंबद में टोटल आपके 43 कोण है और हर एक कोण में पारद यानी कि मर्क्यूरी यानी कि ये HG, ठीक है, साइंस में आप पढ़े होंगे, मर्क्यूरी के शिवलिंग इस पर मौजूद है। अब इस गुंबद में मर्क्यूरी के शिवलिंग यानी कि पारद के शिवलिंग स्थापित किए जाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो आपकी मठ है, मठ के नीचे बैठ करके ध्यान लगाने से ये जो आपकी जो गुंबद में जो पारद का जो शिवलिंग यानी कि मर्क्यूरी की जो शिवलिंग स्थापित की गई है, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होगा, ऐसी मान्यता है इस आपके मठ की। यहां पर जो है 21 से लेकर के 25 जून 2022 तक यहां पर अघोर महोत्सव भी मनाया गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भोरमदेव मंदिर। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? भोरमदेव मंदिर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के टोटल 75 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया था और इन 75 आइकॉनिक स्थलों में हमारे छत्तीसगढ़ के भोरमदेव मंदिर का भी जो है आपका चयन हुआ। यहां पर योग किया गया था केंद्रीय मंत्री रेणुका साहू के द्वारा। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ की जो आपकी मंत्री है रेणुका साहू, केंद्रीय मंत्री रेणुका साहू समेत टोटल 2000 लोगों ने यहां पर योग किया। ये जो आपका भोरमदेव मंदिर है, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में फणी नागवंशीय शासक गोपाल देव के द्वारा किया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है यानी कि शैव धर्म से संबंधित है। यहां पर भी जो है प्रतिवर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में से टोटल 75 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया था। उन आइकॉनिक स्थलों में एक हमारे छत्तीसगढ़ का भोरमदेव भी शामिल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जयंती स्टेडियम। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? जयंती स्टेडियम जो कि दुर्ग जिले के भिलाई शहर में स्थित है, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैदान यहां पर विकसित किया जा रहा है, प्रस्तावित है। इसका ये जो आपके हॉकी मैदान जो विकसित कर रही है, वो कर रही है आपकी भिलाई इस्पात संयंत्र BSP के द्वारा आपके जयंती स्टेडियम में। एक्चुअली में जयंती स्टेडियम बनाया भी गया है आपके भिलाई स्टील प्लांट के ही द्वारा, और इसी के द्वारा यहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैदान स्थापित किया जाएगा, अभी प्रस्तावित है। यहां पर जो है एस्ट्रोटर्फ का मतलब क्या होता है? यहां पर आर्टिफिशियल तरीके से यहां पर घास के मैदान बनाए जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोटर्फ हॉलैंड तकनीक का एस्ट्रोटर्फ यहां पर बिछाया जाएगा यानी कि घास बिछाए जाएंगे। विशेष क्या है, जयंती स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे यानी कि आजू बाजू जो है एथलेटिक्स को दौड़ने के लिए यहां पर ट्रैक भी बनाया जाएगा। जयंती स्टेडियम में हॉकी मैदान निर्माण के साथ राज्य में जो है टोटल 5 एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान हो जाएंगे। राज्य में जो है रायपुर के साइंस कॉलेज में 2, बिलासपुर और राजनांदगांव में 1-1 एस्ट्रोटर्फ मैदान वर्तमान में मौजूद है। अगर ये जयंती स्टेडियम में भी एस्ट्रोटर्फ मैदान बन जाएगा तो ये कुल मिलाकर के हो जाएंगे 5। हमारे प्रदेश में टोटल 5 एस्ट्रोटर्फ मैदान हो जाएंगे जयंती स्टेडियम को मिलाकर के। अभी कितने हैं? 4, रायपुर के साइंस कॉलेज में 2, बिलासपुर और राजनांदगांव में 1-1। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कोरंडम। कोरंडम क्या है? कोरंडम, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में रूबी भी कहते हैं, ये गुलाबी रंग का रत्न होता है। ठीक है, कोरंडम जो है ये गुलाबी रंग का रत्न होता है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में रूबी भी कहा जाता है। इसका जो रंग है यानी कि जो गुलाबी रंग है, ये क्रोमियम की उपस्थिति के कारण गुलाबी या लाल रंग का दिखाई देता है। ये इसकी कठोरता की अगर हम बात करें तो हीरा के बाद यह दूसरा सबसे कठोर धातु है आपका कोरंडम। इसकी जो आकृति है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण जो है ये हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय और बेलनाकार आकृति का दिखता है। इसका अगर हम भंडारण की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपके भोपालपट्टनम में कुचनूर, धनगोल, उल्लूर, दमपाया और चिकोड़ापल्ली, यपाला, ये सभी के सभी आपके बीजापुर वाले क्षेत्र में स्थित है, यहां पर इसका भंडारण है। और सुकमा जिले के सोन कुकानार में इस कोरंडम का भंडारण है। इसका जो उपयोग है ये रत्न के रूप में आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? जो छत्तीसगढ़ की जो खनिज विकास निगम है, ठीक है, CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो जो है आपके नगरनार में, दंतेवाड़ा जिले के नगरनार में ये जो है अपने इस कोरंडम से संबंधित एक प्लांट स्थापित कर रही है, तथा साथ ही साथ आपके CMDC को इस कुचनूर वाले क्षेत्र में कोरंडम उत्खनन की अनुमति भी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा अप्रैल 2022 का एक रैंक जारी किया गया है, डेल्टा रैंकिंग, जो कि चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के नाम से इसे जारी किया गया है। ये क्या है? आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग है। आकांक्षी जिले क्या है?
देखिए आकांक्षी जिलों का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको बहुत बताया है, ऐसे जिले जिनके पास विकास के समूचे संसाधन मौजूद है, यानी कि बहुत से ऐसे जिले हैं जिनके पास भरपूर खनिज संसाधन है, वहां पर इंडस्ट्री भी डेवलप्ड है, लेकिन वो जो आपके जिले हैं वो काफी पिछड़े हुए हैं, तो इन जिलों को आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रखा गया है और इन जिलों में विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के टोटल 10 जिले इस आकांक्षी जिले की सूची में शामिल है। कौन कौन से? आपके बस्तर संभाग के 7 जिले कौन कौन से? बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, उसके अलावा राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, ये टोटल 10 जिले आपके इस आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। ठीक, अगर हम बात करें आपके डेल्टा रैंकिंग की, तो डेल्टा रैंकिंग में ध्यान दीजिएगा, मूलभूत ढांचा निर्माण में, यानी कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मूलभूत ढांचा निर्माण में कांकेर जो है ये पहले स्थान पर रहा और बीजापुर जो है दूसरे स्थान पर रहा, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में मूलभूत ढांचा निर्माण में। जबकि कृषि एवं जल संसाधन की रैंकिंग में राजनांदगांव जिला चौथे स्थान पर रहा और आपके शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के मामले में कोंडागांव जिला जो है ये आपके चौथे स्थान पर रहा चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग में। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन उठा सकता है। पहले ये जो आपका कांकेर है, कांकेर को स्पेशली याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि कांकेर जो है पूरे भारत भर के आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ये हाल ही में चर्चा में रहा। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल जिसकी स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को, पहला तो डेट आपको यही याद रखना है कि देखिए ये जो आपके विद्युत मंडल है, मंडल हो गए, निगम हो गए, इनसे थोड़े से प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। चर्चा में क्यों रहा? देखिए इस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत 5 बिजली कंपनियां थी। अब इन 5 बिजली कंपनियों का पुनर्गठन करके 3 बिजली कंपनी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ध्यान समझिएगा, 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी, फिर 1 जनवरी 2009 को इस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत टोटल जो है आपके टोटल पांच आपके कंपनियों की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2009 को इसका पुनर्गठन करके 5 कंपनियों का निर्माण किया गया इस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत जनरेशन कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी। अब ये होता क्या है? सबसे पहले जनरेशन, जनरेशन का मतलब जैसे कि आपका ताप विद्युत संयंत्र हो गया, आपका जल विद्युत संयंत्र हो गया, यहां पर क्या होता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी कि विद्युत का जनरेशन किया जाता है, तो उस पर नियंत्रण करने वाली कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत जनरेशन कंपनी। अब जो विद्युत का उत्पादन किया गया उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जाएगा, होल्ड करके रखा जाएगा, तो उस पर जो देखरेख करती थी उस कंपनी का नाम था छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी। अब जो आपका विद्युत का जो होल्ड करके रखा गया है उसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा, ठीक है, उसे बांटा भी जाएगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। और एक है आपका ट्रांसमिशन, जो विद्युत को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुंचाने के लिए लंबे लंबे तार बिछाए जाएंगे, ट्रांसमिशन के लिए तार बिछाए जाएंगे, उस पर नियंत्रण करने वाली कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी। और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब बेचना, यानी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है यहां पर सरप्लस, यानी कि जरूरत से ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है, तो इस अतिरिक्त सरप्लस विद्युत को आसपास के राज्यों को बेचना, उनसे व्यापार करना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, तो अब क्या किया गया है कि इनमें से जो विद्युत होल्डिंग कंपनी है और विद्युत ट्रेडिंग कंपनी है इनको मर्ज कर दिया गया है। ट्रेडिंग को ट्रांसमिशन में, होल्डिंग को जनरेशन में मर्ज कर दिया गया है और इसे लागू माना जा रहा है 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से हमारे प्रदेश में 3 बिजली कंपनी रहेगी। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत जनरेशन कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी, और ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अधीन होंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर जो है काफी समय से, पिछले साल से चर्चा हो रहा था। इस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के द्वारा तो अनुमति दे दी गई थी, लेकिन कैबिनेट सरकार के द्वारा, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ कैबिनेट के द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। अब इसे अनुमति मिल गई है और 1 अप्रैल 2022 से इसे लागू माना जा रहा है। तो इतने सारे हैं आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में जून माह के अंतर्गत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का मैगजीन आपके नजदीकी बुक डिपो में अवेलेबल है, जिसे जरूरत होगा वो खरीद लीजिएगा। ठीक है, चलिए।